चलिए शुरू करते हैं CV4 एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन इस ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे और क्यों शो करता है। सबसे पहले अगर हम इसके यानी कि नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर की बात करें तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण होती है। सबसे पहला है नाइट्रोजन का स्मॉल साइज। उसके बाद नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमें पता है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है और नाइट्रोजन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है जिससे वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता है। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से या हम बोल सकते हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से नाइट्रोजन इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। आइए अब पढ़ते हैं कि हाउ इज नाइट्रोजन डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। सारे ग्रुप मेंबर्स में से नाइट्रोजन सबसे वीक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। जब NN बॉन्ड फॉर्म होता है तो साइज छोटा होने के कारण बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम्स इज ऑल्सो स्मॉल। बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने के कारण लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होता है। इसी रिपल्शन की वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है और इसीलिए ही नाइट्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि पी बॉन्ड पी यानी कि फास्फोरस और फास्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से। नाइट्रोजन का दूसरा डिफरेंट बिहेवियर है कि ये डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। फास्फोरस डी पाई पी पाई बॉन्ड क्रिएट कर सकता है जिसे हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स में देख सकते हैं। फास्फोरस और आर्सेनिक ये डी पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ट्राई इथाइल फॉस्फीन और ट्राई इथाइल आर्सीन लिगेंड की फॉर्म में डी पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सारे ग्रुप मेंबर्स में से नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। दो नाइट्रोजन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इन्हीं नाइट्रोजन के दो पी ऑर्बिटल्स दो पाई बॉन्ड बनाने में भी हेल्प करते हैं। इस तरीके से N2 में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियाई एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स दोनों ही बढ़ते जाते हैं। अगर हम ओवरलैपिंग को कंपेयर करें तो हम यहां पर आसानी से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के केस में स्ट्रांग ओवरलैपिंग होती है जबकि फास्फोरस के केस में वीक ओवरलैपिंग होती है।